हेलो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एजुकेशन विद डीके में। आज हम आपको बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड सेमेस्टर के फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की आंसर शीट लेकर आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है आपका, वस्तुओं की कीमत को मुद्रास्फीति कैसे प्रभावित करती है? इसका सही आंसर, वस्तुओं की बढ़ती कीमत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय आय की गणना करने की 3 विधियाँ हैं। इसका सही आंसर, उत्पादन व्यय और आय संगणना विधियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रास्फीति का बिल्कुल उल्टा है? इसका विस्फीति सही आंसर है, बी नंबर, विस्फीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक व्यय के मुख्य उद्देश्य हैं? इसके रक्षा के लिए रख रखाव, सामाजिक कल्याण, आर्थिक विकास, उपर्युक्त सभी। इसका आंसर सही है, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भुगतान स्थानांतरण में जुड़े होते हैं? इसका सही आंसर है अनुदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक सरकारी राजस्व का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? इसका सही आंसर है कर, टैक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सार्वजनिक व्यय संदर्भित होता है सरकारी व्यय से, गवर्नमेंट एक्सपेंडिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्याज भुगतान हिस्सा है गैर विकास संबंधी व्यय का? सही आंसर है ए, गैर विकास संबंधी व्यय का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत निर्माण मनरेगा उदाहरण है योजनांगत व्यय के? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा योजनांगत व्यय का हिस्सा नहीं है? डिफेंस रक्षा नहीं है, सी बी नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियों के बीच अंतर को कहते हैं राजस्व घाटा? डी सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच अंतर को कहते हैं बजट घाटा? सी सही है इसका, बजट घाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान विश्व में अधिकतर देशों की अर्थव्यवस्थाएं हैं विश्व इकोनॉमी में स्थित अर्थव्यवस्थाएँ हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था को अधिक उपयुक्त रूप से व्यक्त किया जा सकता है मिश्रित रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मिश्रित अर्थव्यवस्था शब्द दर्शाता है? इसका सी सही है, निजी व सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का अस्तित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संख्यावाचक उपयोगिता विश्लेषण दिया गया था? इसका सही आंसर है अल्फ्रेड मार्शल द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता की बचत की गई? इसका सही आंसर सी है, अल्फ्रेड मार्शल द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट रेखा इस नाम से भी जानी जाती है, प्राइस लाइन कीमत रेखा के नाम से भी जानी जाती है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, तटस्थता वक्र है? इसका सही आंसर है बी, काट सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांग की आय लोच है? इसका सही आंसर है सामान्य वस्तुओं के लिए धनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा दी गई? इसका सही आंसर है मार्शल द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतर तटस्थता वक्र का तात्पर्य है उच्च संतुष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रतिस्थापन की सीमांत दर एक्स और वाई वस्तु के बीच व्यक्त की जाती है? इसका सही आंसर है सी नंबर, MRS XY इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बटे डेल्टा वाई द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगत की कीमतों में कमी से होती है पूर्ति में वृद्धि? बी सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल उपयोगिता है? इसका सही आंसर है विभिन्न इकाइयों के उपभोग से प्राप्त संतुष्टि का योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रमवाचक उपयोगिता का तात्पर्य होता है उपयोगिताओं के क्रम में रखा जा सकता है? इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तटस्थता वक्र होता है उन्नतोदार आकार? सही आंसर है इसका बी, उन्नतोदार आकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूर्ति की लोच को लिखा जाता है? इसका सही आंसर है पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन बटे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांग की लोच की सीमा होती है? इसका सही आंसर है 0 से अनंत तक होती है, इन्फिनाइट तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजार की कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है? बाजार की कीमत पर राष्ट्रीय घरेलू उत्पाद प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है? इसका सही आंसर है बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आय भी कहा जाता है? इसका सही आंसर है साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र को इस रूप से जाना जाता है? इसका सही आंसर है मूल्य सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद है? इसका सही आंसर, साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद प्लस मूल्यह्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोग आय है? इसका सही आंसर, व्यक्तिगत आय माइनस प्रत्यक्ष कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
संपूरक वस्तुओं के संदर्भ में मांग की आड़ी लोच होती है, ये निगेटिव होती है, ऋणात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिस्थानापन वस्तुओं के संदर्भ में मांग की आड़ी लोच होती है, इसका सही आंसर है पॉजिटिव, धनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिफेन वस्तुएं हैं, इसका सही आंसर है सुपीरियर गुड्स, उत्कृष्ट वस्तुएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असंबंधित वस्तुओं के संदर्भ में मांग की आड़ी लोच होती है, इसकी जीरो होती है, शून्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिक्स एलन का अनधिमान सिद्धांत आधारित है कमजोर क्रम में रखने पर, सही आंसर है इसका। जब कीमत घटती है तो उपभोक्ता की वास्तविक आय में वो क्या होता है, वृद्धि होती है, इंक्रीज होती है उसकी आय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास संबंधी परिभाषा दी गई पी ए सैमुअलसन द्वारा, सही आंसर है सी है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता की बचत की गणना की जाती है, इसका सही आंसर है प्राप्त कुल उपयोगिता माइनस सीमांत उपयोगिता, सही आंसर बी है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रों का धन नामक पुस्तक वर्ष में प्रकाशित की गई 1776 में प्रकाशित की गई ये बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एवं माइक्रो इकोनॉमिक्स शब्दों का प्रतिपादन किया गया रैगनर फ्रिस द्वारा, सही आंसर है इसका सी नंबर, रैगनर फ्रिस द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वस्तु की कीमत में 10% परिवर्तन होने पर वस्तु की मांग 5% परिवर्तन होता है तो मांग की लोच है 2%। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जनसंख्या का सिद्धांत दिया गया, इसका सही आंसर है माल्थस द्वारा, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाभ किसके लिए पुरस्कार माना जाता है, इसका सही आंसर है बीज जोखिम वहन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब प्रभाव में आई, इसका सही आंसर है 2000 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वास्तविक मजदूरी को प्रभावित करता है, इसका सही आंसर है काम की प्रकृति, नेचर ऑफ जॉब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूंजी के प्रयोग के लिए भुगतान की गई कीमत है, इसका सही आंसर है इंटरेस्ट, ब्याज सही आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रम को अलग नहीं किया जाता, इसका सही आंसर लेबरर से, श्रमिक से श्रम को अलग नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसके अंतर्गत एकल उपयोग उत्पादक वस्तुओं में कमी आती है, इसका सही आंसर है स्थिर पूंजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के लिए कुल मांग कहलाती है, इसका सही आंसर है एग्रीगेट डिमांड, समग्र मांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन सा समष्टि अर्थशास्त्र नहीं है, इसका सही आंसर है वस्त्र उद्योग में मजदूरी का स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टी आर माल्थस ने अपनी पुस्तक जनसंख्या के सिद्धांत पर निबंध प्रकाशित की 1798 में प्रकाशित की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रति हजार व्यक्ति पर जीवित जन्म की संख्या प्रतिवर्ष जानी जाती है, जन्म दर, सही आंसर है इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति का कारण है, मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि, उत्पादन में कमी, इसका सही आंसर सी ए, दोनों ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मुद्रास्फीति में सबसे अधिक लाभ मिलता है, इसका सही आंसर है ऋण देने वाले को, क्रेडिटर्स को। नेक्स्ट है, मुद्रास्फीति वह स्थिति है जिसमें मुद्रा का मूल्य घटता है, इसका सही आंसर ये है, मुद्रा का मूल्य घटता है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।